देखिए मैं समझता हूँ अपने ग्रुप की बात बोले सिर्फ अपनी नहीं, आपने चलो अब जैसे आपने क्वेश्चन है तो मैं ठोस जवाब दूंगा कि हमारे पास सबसे मेन डिफरेंस ये है कि हमारे पास प्रख्यात जनहित नायक जनहित याचिकाओं के नायक श्री प्रशांत भूषण जी हैं जिन्होंने ना सिर्फ इन मुद्दों पे बातें की हैं और इन पे लॉजिकल कंक्लूजन सक्सेसफुली हासिल किए हैं। प्रशांत जी कहेंगे मैं उनके बिहाफ पे कह देता हूँ, आप उनके बारे में ना बताएं, आप रेजोल्यूशन के बारे में बताएं, हमारा रेजोल्यूशन हमारे विचार दूसरों से कैसे अलग है। बाकी पार्टियां जो है वो कोई कुछ मुद्दे उठाती है और कोई कुछ मुद्दे उठाती है, हमने सभी संवेदनशील पहलुओं पर अपनी विचारधारा रखी है और उनको उठा रहे हैं और जात पात से रहित मुद्दों पे अपनी राजनीति सोच रहे हैं। एक समग्र सोच है, जात पात के विचार से उस दृष्टिकोण से रहित है जी। नंबर 19 यहां लाइए, हाँ जी, और उसके बाद नंबर 22 रेडी रहे इसके लिए। और अब आप ये भी समझ गए होंगे कि नंबर 2-5 वालों को क्या करना है, उन्हें सेकंड सवाल का जवाब देना है, तो वो उसके लिए तैयार रहे जी। जी सर, ग्रुप में जो विचार विमर्श हुआ उसमें 4-5 बात मोटे मोटे तौर पर निकल के आई। पहली, सांप्रदायिक सौहार्द, सामाजिक समरसता और समतामूलक विकास, एक चीज। दूसरी चीज, विकेंद्रीकृत आम सहमति आधारित निर्णय प्रक्रिया। तीसरी चीज, पारदर्शिता जरूरी है। और चौथी चीज, जवाबदेही सुनिश्चित। चार चीज आपने तो हमारे सारे मूल सूत्रों को एकदम कपड़ा छान निचोड़ दे दिया उसका, बहुत बढ़िया। विकेंद्रीकरण, समता, जवाबदेही, पारदर्शिता और जो हमारे मूल्य, उधर आगे उधर जाना हो। नंबर 25, बहुत बहुत शुक्रिया। 25 इधर हैं। 25 के दो क्लेमेंट आ गए। 22, चलिए साहब 22 वहां पे, उसके बाद 25 यहां पे जी। स्वराज अभियान कथनी और करनी इन पर विश्वास करता है, दूसरी पार्टियों की तरह घोषणा पत्र को बनाकर ताक पर नहीं रखता है, जैसा कि 15 महीनों में इसने करके दिखाया है। जो जनता के बीच जाके उसने वादे किए उनको करके दिखाया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें जनता की सीधी भागीदारी है, उसके साथ जवाबदेही है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी में नहीं है। थैंक यू। 25 कथनी करनी की बात आपने कही और हमें यह भी बताना होगा बीच में लोगों को कि हमारी कथनी भी कैसे फर्क है, हमारा विचार कैसे फर्क है। एक तो ये हुआ कि हम अपने विचार पे सच्चे हैं, दूसरा हमारा विचार दूसरों के विचार से अलग कैसे है, ये वाली बात भी हमें समझानी है लोगों को। मानव की मूलभूत समस्या उस रोटी कपड़ा और मकान है। हर दल प्रारंभिक रूप से व्यक्तियों को रोटी कपड़ा और मकान देने का लालच देता है और उससे उसके वोट खींचता है। हम लोग, हमारी जो विचारधारा है, हम उनको रोटी कपड़ा मकान का लालच न दे करके हम उनको रोटी कपड़ा और मकान बनाने में सक्षम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मुझे ये लगा और मैंने इसीलिए ये कोशिश की है कि हमारा जो विजन है, हम उनको रोटी कमाने के लिए, रोटी के लिए में अपना मकान बनाने के लिए और अपने लिए कपड़ा जुटाने में कैसे सक्षम कर पाएंगे, ये हम उनको दे रहे हैं। अन्य दल उनको सिर्फ उसका लालच दे करके और उन्हें अपनी ओर करते रहते थे। तात्कालिक सुधार, लालच, भीख, वो नहीं, व्यवस्था परिवर्तन, ताकि लोग उस स्थिति पे पहुंच पाए स्वयं। बहुत बढ़िया। तो अब इसके अलावा, अच्छा 25 के बाद 28 यहाँ भाई रविंदर, ये लो और आप उधर दो नंबर पे पहुंच जाइए। मुझे बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि हमारी आइडियोलॉजी सबसे पहले इसलिए अलग है क्योंकि ये निस्वार्थ लोगों का संगठन है। दूसरा, हम किसी भी धर्म की राजनीति, जात की राजनीति, आर्थिक तौर पर अपने को लाभ पहुंचाने वाली राजनीति में विश्वास नहीं रखते और खुली पॉलिसी है। हर आदमी, हर समाज हमारी पॉलिसी में हिस्सेदार है। स्वराज अभियान लोगों के बीच में जाके उनका नुमाइंदा बनना चाहता है, उनको एहसास कराना चाहता है कि
आपके बीच में अब जो लोग हैं वो ईमानदार हैं और खुले तौर पर हैं, हर मुद्दे पर हैं, धर्म के मुद्दे पर, जात के मुद्दे पर, व्यवस्था के मुद्दे पर, किसानी के मुद्दे पर, हर किसान को किसानी के प्रति आश्वासन दिलाना चाहता है कि किसानी घाटे का मुद्दा नहीं होगा, ये हमारी आइडियोलॉजी है। बहुत बढ़िया, हमारी आर्थिक विचार से जोड़ते हुए और हम बाकियों से किस तरह से भिन्न है। तो देखिए, अच्छी बात यह हुई, वो जो हाथी वाली कहानी है, हर कोई एक प्रस्ताव को अपने अपने दृष्टि से देखता है, कोई हाथी की सूंड पकड़ता है, कोई हाथी का पांव पकड़ता है, लेकिन जब हम आठ लोगों की बात सुन जाते हैं तो हमें सूंड भी दिख जाती है, आंख भी दिख जाती है, दांत भी पता लग जाता है, पांव भी दिख जाता है। ये अच्छी बात है, सब मिलके सोचते हैं तो सब पक्ष उसके कहीं ना कहीं सामने आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न था, दूसरा क्या था कि इस प्रस्ताव से, हमारे विचार से क्या एक्शन निकलता है, हमें क्या करना चाहिए। अब इसके बारे में प्रस्ताव में विस्तार से नहीं लिखा, लेकिन हमें दिमाग लगा के सोचना है कि अगर यह प्रस्ताव सही है तो हमारा क्या एक्शन इससे निकलता है। जी, नंबर टू, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लेकर के जो चले थे, वो लड़ाई बीच में छूट गई थी, उसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए स्वराज अभियान आज इस मुकाम पे पहुंची है। और जो भी दृष्टि इस स्वराज अभियान का है, वो चाहे वो आर्थिक मसला हो, चाहे वो विदेश मसला हो, चाहे एजुकेशन, किसान, सारे जो भी इम्पोर्टेंट जो मसला है हमारे देश का, उस सभी मसलों पे उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए एक वैकल्पिक राजनीति पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे इसको एक पावर में आना पड़ेगा। और फिर जमीन पर इस सारे जो समस्याओं है, उस समस्याओं का लड़ाई लड़ करके और व्यवस्था परिवर्तन कर करके उस सभी समस्याओं को से राहत देना पड़ेगा आम जनताओं को। व्यवस्था परिवर्तन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। वैसे मैं प्रश्न का सीक्वेंस बदल दूं, नंबर पांच पे जो आएंगे उन्हें सवाल ये है जो आखिर में मैंने तीसरा प्रश्न पूछा था, उनके लिए नंबर पांच पे कौन है? नंबर पांच, द क्वेश्चन फॉर यू इज the third one, which is how would you read the newspapers differently if you were in the light of this resolution? How do you read the news, which news, just give an idea of one news which you read and you would say, okay, in the light of this resolution I would read this news this way? No, I am just repeating what are the points that have emerged. Only that. See, the major things that have emerged are, there are 14.4 crore tribals, out of which only 5% are educated and 2% have houses. The rest of them are having no houses. Therefore, they need 5 acres of land for tilling and then house sites. Number two, monthly minimum income should be guaranteed for every family. And then this document needs to be taken to the village and ward level, thoroughly discussed, and then we should try to build an independent movement from the grassroots. Thereby we will convert the democracy from representative to participatory kind of democracy. And women are not properly treated by the police. Youths and more women are ill-treated by the people, especially during communal riots and other things. These were some of the main points See, draft issue. Sir, it's 1 minute for one person. So, see, I will complete the major salient points just only. One minute. Yes, I will complete that. So, draft issue is highlighted by Swaraj Abhiyan, in which nobody has done. And we are looking for alternatives. We must go with realistic claims, not unrealistic claims as BJP and Congress are doing. I am impressed by the non-VIP culture that is prevalent in this hall. And then we are burdened with reckless credit taking by the corporates, and that should be taken seriously. And then land acquisition issue needs to be taken very seriously, and we should demand for scientific land use policy. And then But sir, no more than. I think we cannot, because we cannot give more than 1 minute to each group. We have given already 2-3 minutes. So what you can do is that, yeah, I know.
What you can do is to give that in writing, the points that have emerged. Yeah, I have prepared that's important. Points. Yeah. Just as they have been suggested, I am just sure. None of my wonderful. मेरा यही कहना है हमें अपने ग्रुप की पूरी प्रोसीडिंग्स की समरी नहीं देनी है क्योंकि वो तो बहुत समय लग जाएगा हमें केवल उससे एक बिंदु बताना है तो नंबर आठ को मैं कहूंगा नंबर आठ एट हाँ आपसे प्रश्न ये है कि समाचार पत्रों में जो हम खबर पढ़ते हैं उनमें से कौन सी एक खबर को आप कल डिफरेंटली पढ़ेंगे अच्छा भाई इस रेजोल्यूशन को पढ़ने के बाद मुझे क्या एक नई चीज समझ आई समाचारों के बारे में एक चीज ज्यादा नहीं साथियों सर ने जो प्रश्न किया है उस पर मैं कहना चाहूंगा कि इस समय जो सबसे संवेदनशील जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं कश्मीर का इशू है जो हम लोगों के सामने है हम लोग या अभी तक जो भी और भी दल हैं जिस रूप में कश्मीर को ले रहे हैं हम लोगों को कहीं ना कहीं कश्मीर की जो समस्या है उसको थोड़ा अलग नजरिए से देखना होगा और उसकी गहराई में उसकी तह में जाना होगा और कहीं ना कहीं व्यापक मानवाधिकार के संदर्भ में भी इस समस्या को हमको देखना होगा बहुत बढ़िया कश्मीर को हम अलग तरीके से देखेंगे बहुत बड़ी बात है ये क्योंकि सामान्य लोगों का नंबर 11 नंबर 11 वो कश्मीर और इन सब मुद्दों पे हमारी अपनी सोच बन जाती है ना क्योंकि हमें खुद वहां जाने का कभी मौका नहीं मिलता तो इस रेजोल्यूशन के माध्यम से हम चलो इसके बारे में दोबारा सोचेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2 या 3 नंबर 3 प्रश्न है कि समाचार पत्र में जो खबरें आती हैं उनमें से कौन सी एक खबर है जिसको आप अलग तरीके से देखेंगे आजकल बाढ़ का मुद्दा बहुत ज्यादा है अगर मैं बाढ़ के न्यूज देखूंगा तो मेरे मन में एक ये विचार आएगा कि अधिक बारिश आने के कारण बाढ़ आई है लेकिन हमारी सरकारों की विफलताओं के कारण पहले से उन सुविधाओं का प्रबंध नहीं किया गया जिसके कारण हमारे देश के हमारे भाइयों हमारे लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा तो मैं ये देखूंगा कि आज के समय में ऐसी सरकारें सतर्क नहीं हैं जिन्हें पता होते हुए भी वो पहले से उन चीजों का बंदोबस्त नहीं करती धन्यवाद बहुत बढ़िया देखिए कश्मीर बाढ़ अच्छा नंबर 14 हाँ जी किस एक खबर को आप अलग तरीके से देखेंगे इस प्रस्ताव के कारण हमारी टीम से ये सुझाव आया हमने जब बैठ के चर्चा करी और हमें ये समझ में आया टीम के हिसाब से कि अगर मैं कल का न्यूज़पेपर देखता हूं और मुझे